प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही स्वच्छ भारत मिशन का सपना देखा है, लेकिन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री के इस सपने को पलीता लगा रहे हैं। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत कनरखी में लाखों खर्च कर बनवाया गया एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र महज शोपीस बनकर रह गया है। 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, इस केंद्र के संचालन की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है। कूड़ा उठाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से मंगवाए गए 2 ई-रिक्शा भी खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे व कूड़े को यहीं पर लाकर निस्तारित किया जाना है, लेकिन इसकी शुरुआत कब तक हो सकेगी इसका कुछ पता नहीं है। इतना ही नहीं, अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण जहां पर करवाया गया है वहां से चंद कदमों की दूरी पर गोबरहिया नदी निकली हुई है। ऐसे में जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो यह केंद्र भी बाढ़ की जद में आ सकता है। ऐसे में 12 लाख से अधिक खर्च कर बनवाया गया केंद्र कब बाढ़ और कटान की भेंट चढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। देखें ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत कनरखी में। हालांकि आप लोग लगातार इस समय देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लगातार स्वच्छता पर संदेश दे रही है, लगातार स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी की कड़ी के साथ आज आपको हम जोड़ते हैं ग्राम पंचायत कनरखी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया गया था, जिसको RRC सेंटर का नाम दिया गया था। इस सेंटर का काम था, ये जो सेंटर बनाया गया इसका काम आप पहले जान लीजिए, आपको हम अंदर भी दिखा देंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होना था। कैमरामैन से कहेंगे, जो हमारा कैमरामैन है, देखा देख रहे हैं कि यहाँ पर लोहा, रबड़, शीशा, पेपर और कपड़ा, थर्माकोल, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, एल्युमिनियम जैसे शब्द तो सारे लिखे हैं। इधर लिखा है हम सब ने ठाना है गांव को स्वच्छ बनाना है। इस आरआर सेंटर का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 6 माह पूर्व हुआ था। इसकी कीमत आपको बता दें, ये 12,48,000 रुपये में लगभग तैयार हुआ है। जो चारों तरफ बाउंड्री और ऊपर एक टीन सेट रखी गई है, एक स्टोर रूम बनाया गया है। इस ग्राम पंचायत में 2 ऑटो रिक्शा भी खरीदे गए हैं, जिन रिक्शों को चलाना जाना है। लेकिन अभी तक यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख रहे हैं कि एक जैसा होता है कि सफ़ेद हाथी की तरीके से एक बिल्डिंग बना करके आप खड़ी कर दीजिए और वो खड़ी रहती है, उसी तरीके से ये सफ़ेद हाथी की तरीके से बिल्डिंग बनी खड़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इसमें एक कूड़े का नाम कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही कूड़ा मिल रहा है यहाँ पर और ना ही यहाँ पर कोई चीज़ें मिल रही हैं। आप इधर इधर भी देख सकते हैं कि ये जो आरआर सेंटर बनाया गया है इसके बगल में एक गोबरहिया नदी है। इस नदी में जब उफान आता है, पानी आता है बाढ़ का, तो ये बाढ़ का पानी पूरी तरीके से यहाँ तक भी आ जाता है। ये आरआर सेंटर जब बनवाया गया तो ये भी इसकी ऊँचाई और जो होना चाहिए था वो भी पूरी तरीके से मानक नहीं देखे गए। और आपको बता दें कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान दिया जा रहा है, लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन दो ही चीज़ों पर इस समय लगातार जोर दे रही है। स्वच्छता अभियान पर इतना जोर दे रही है कि लगातार आप स्वच्छता अभियान चलाइए। आपने देखा होगा कई जगह पर मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग झाड़ू उठाते देखा है आपने। लेकिन ये ग्राम पंचायत कनरखी का ये हाल है और अभी तक कोई भी यहाँ पर जैसे कि होना चाहिए था, जिस प्रकार से बताया गया था, मुख्य विकास अधिकारी जो आए थे अच्छत वर्मा जी, उनसे बात की गई थी, उन्होंने बताया भी था कि कार्य शुरू हो जाएगा, कार्य शुरू होना था, लेकिन 6 माह बीत हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं शुरू किया गया है। मामले में ADO पंचायत रामपाल वर्मा ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि ग्राम पंचायत में समूह का गठन नहीं हो पाया है, जल्द ही समूह का गठन करके RR सेंटर और ई रिक्शा चलवाए जाएंगे। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।